नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं कुलबेली अपने होस्ट अभिषेक के साथ में। आज मैं लेकर आया हूं पंचतंत्र की एक और कहानी। आइए शुरू करते हैं कहानी आपके होस्ट अभिषेक के साथ में। वफादार नेवला। एक गांव में मनोज और उसकी पत्नी सरिता रहती थी। उनकी कोई संतान नहीं थी। उनके पास एक पालतू नेवला था जो उनके साथ ही रहता था। सरिता उस नेवले को अपने बेटे की तरह ही प्यार करती थी। इसी बीच सरिता को एक बेटा होता है। अब मनोज और सरिता और भी खुश रहते हैं। एक दिन मनोज के मन में यह आशंका हुई कि कहीं नेवला उनके बेटे को कोई नुकसान ना पहुंचाए, तो क्या उसे घर से बाहर कर देना चाहिए। लेकिन सरिता ने मना कर दिया। मनोज का बेटा और नेवला बहुत ही अच्छे दोस्त थे। दोनों साथ साथ खेलते थे। एक दिन मनोज काम पर गया था तो उसकी पत्नी सरिता को घर से बाहर जाकर पानी लाना था। वो बाहर गई। उसने नेवले को बच्चे की देखभाल करने के लिए कहा। सरिता के जाने के बाद घर में एक सांप आ गया। वह सांप बच्चे की ओर बढ़ रहा था। जैसे ही नेवले ने सांप को देखा, उसने उस पर अटैक कर दिया और उसे मार दिया। जब सरिता पानी लेकर वापस लौटी तो उसने देखा कि नेवले के मुंह पे खून लगा हुआ है। वह डर गई। उसने सोचा कि नेवले ने उसके बच्चे को मार दिया। बिना कुछ सोचे समझे ही सरिता ने उस नेवले को मार दिया। नेवले को मारने के बाद जब वो घर के अंदर गई तो उसने देखा कि बच्चा पालने में खेल रहा है और उसके पास ही सांप के कई टुकड़े पड़े हुए थे। सरिता को एहसास हुआ कि उसने यह क्या कर दिया। उसने अपने पुत्र समान नेवले को बिना सोचे समझे मार दिया, जबकि उसने तो उसके बच्चे की रक्षा की थी। दोस्तों, इस कहानी से हम लोगों को यह शिक्षा मिलती है कि बिना कुछ सोचे समझे कुछ भी कदम नहीं उठाना चाहिए। पूरी छानबीन करके ही आगे बढ़ना चाहिए। गुस्से में आकर कुछ नहीं करना चाहिए। दोस्तों, मुझे उम्मीद है आज की कहानी आपको जरूर पसंद आई होगी। और रोचक कहानी सुनने के लिए हमें लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करते रहिए। तब तक के लिए अपने होस्ट अभिषेक को आज्ञा दें। नमस्कार।